वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हम बूटस्ट्रैप के अंदर नैव बार किस तरीके से जो है वो बनाते हैं। तो मैं यहाँ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर जाऊंगा बूटस्ट्रैप की, तो यहाँ पे है कंपोनेंट्स के अंदर हमारे पास आ जाता है नैव बार। सो नैव बार बनाने का जो सिंपल सा तरीका, सबसे पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं नैव का टैग, उसको यहाँ पे हम क्लास देते हैं नैव बार। उसके बाद यहाँ पे जो क्लास है नैव बार एक्सपेंड एल जी और मीडियम डिफरेंट क्लासेज है वो यहाँ पे जो है वो हम दे देते हैं। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम्स है, उनकी क्लासेज जो है हम यहाँ पे जो है वो दे देते हैं। उसके बाद नैव के अंदर सबसे पहले हमारा हम यहाँ पे बनाते हैं डिव, उसको हम क्लास देते हैं कंटेनर फ्लोट के नाम से। और इसके अंदर फिर यहाँ पे सबसे पहले हमारा जो लोगो होता है, हम उसके लिए यहाँ पे एक एंकर टैग जो है वो बना देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बटन बना, तो बटन जैसे हम उसको छोटा करेंगे तो यहाँ पे जो बटन आ जाएगा यहाँ पे, उसके लिए हम नैव बार के जो ब्रांड है, उसके बाद यहाँ पे जो बटन है वो हम यहाँ पे जो है वो बना देते हैं। और इस बटन के बाद जो हमारे जितने भी लिंक्स होंगे वो सारे हम जो अगले डिव होगा उसके अंदर यहाँ पे जो है वो लिख लेते हैं। तो इसको जो है साइड बाई साइड जो खोल लेते हैं वी एस कोड, और इसको तो यहाँ पे फिर हम वी एस कोड के अंदर जो इसको प्रैक्टिकली बना के जो है वो देखते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको भी जो साइड बाई साइड जो है वो खोल लूंगा। सो उसके लिए बनाने के सबसे पहले हमारे पास सिंपल सा तरीका, सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो बना लेंगे नैव, और उसको हम क्लास देंगे नैव बार के नाम से। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ नैव, उसके बाद यहाँ पे जो है हम इसको क्लास देंगे नैव बार के नाम से। और साथ ही हम इसको क्लास देंगे जो भी हमने इसका बैकग्राउंड कलर रखना है, जो भी कलर रखना है डिफॉल्ट कलर, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो क्लासेज हैं। अगर मैं यहाँ पे नीचे जाता हूँ तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट कलर स्कीम जो है वो मिल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास है नैव बार डार्क, बीजी डार्क, नैव बार डार्क, बीजी प्राइमरी, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है नैव बार लाइट। और अगर हमने अपना भी बैक कलर देना है बैकग्राउंड में तो वो भी जो है वो हम दे सकते हैं। तो अभी जो सिंपल जो है यहाँ पे दिया हुआ है डिफॉल्ट नैव बार लाइट, तो अभी हम यहाँ पे ये जो है वो देते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं अपनी आसानी के लिए यहाँ पे जो क्लासेज हैं इनको मैं यहाँ से जो है वो कॉपी कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूंगा नैव बार लाइट को, एंड देन यहाँ पे जो है वो इसको पेस्ट कर दूंगा। और उसके बाद यहाँ पे जो अगली क्लास है बीजी लाइट, वो मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ। यहाँ पे लिख लूंगा बीजी लाइट, तो हमारा जो नैव है वो यहाँ पे जो है वो बन गया नैव टैग। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है डिव है, इसको क्लास दिया कंटेनर फ्लोट की, तो मैं यहाँ पे जो है उसको क्लास दे दूंगा कंटेनर फ्लोट के नाम से। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कंटेनर फ्लोट। सो ये जो क्लास है इसके अंदर जो है वो हमारे जो लिंक्स होंगे वो सारे हम इसके अंदर जो है वो फिर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आ जाता है नैव बार ब्रांड। जो नैव बार ब्रांड होगा यहाँ पे जो लोगो शो हो रहा है, मतलब इसके लिए हम यहाँ पे नैव बार ब्रांड की जो क्लास है वो यहाँ पे जो है वो देते हैं। यहाँ पे आप इमेज भी डाल सकते हैं, अगर एंकर टैग बनाना तो वो भी यहाँ पे जो है वो हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो एंकर टैग बना, तो यहाँ पे मैं बना लूंगा नैव एंकर टैग। उसके बाद मैं यहाँ पे जो है उसको क्लास दे दूंगा नैव बार ब्रांड। और यहाँ पे जो भी हमें टेक्स्ट लिखना है वो हम इसके अंदर यहाँ पे जो है वो लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ डेस्क कोड, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। सो इस लिंक के बाद हमने यहाँ पे जो है वो बटन बनाना, तो उसको बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम बटन बनाएंगे, उसको हम यहाँ पे क्लास देंगे नैव बार टोकलर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जब हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो लिंक होंगे वो नीचे जो है वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे टाइप बटन है डेटा बी एस टोकल कोलैप्स, और उसके बाद यहाँ पे डेटा बी एस टारगेट होगा एट्रीब्यूट, जो कि हम यहाँ पे जो आईडी देंगे नीचे जो हमारे एलिमेंट्स होंगे लिंक की, यहाँ पे जो हम आईडी देंगे वो हम यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। तो अपनी आसानी के लिए सिंपली मैं इस बटन को यहाँ से जो है वो मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर लूंगा। सो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डेटा बी एस टारगेट, यहाँ पे आई डी दिए, तो यहाँ पे इस आई डी को भी मैं यहाँ से जो है वो मिटा देता हूँ। सो इस बटन के बाद यहाँ पे हमें जो है वो एक और डिव बनाना है, जिसको हमने यहाँ पे क्लास देनी है कोलैप्स और नैव बार कोलैप्स। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ डिव, मैं बना लूंगा। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको क्लासेस जो है वो दे दूंगा। तो यहाँ पे जो सबसे पहली क्लास है वो हमने यहाँ पे इसको देनी है कोलैप्स की, तो मैं यहाँ पे जो है लिख लेता हूँ कोलैप्स। उसके बाद यहाँ पे जो दूसरी क्लास है वो है हमारे पास नैव बार कोलैप्स, तो यहाँ पे जो दूसरी क्लास है वो हम यहाँ पे दे देंगे नैव बार कोलैप्स। और यहाँ पे जो आईडी है वो हम यहाँ पे जो है वो दे देंगे। सो आईडी मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नैव। जो आईडी हमने यहाँ पे दिए तो वो आईडी हमने यहाँ पे जो है वो प्रोवाइड कर दी, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नैव। सो अब इस डिव के अंदर जो हमने बनाया है कोलैप्स वाला, इसके अंदर जो हमारे जितने भी लिंक्स आएंगे वो हम इसके अंदर जो है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हमें यहाँ पे यूएल बनाना पड़ेगा, यूएल को हमें यहाँ पे क्लास देनी पड़ेगी नैव बार नैव। और यहाँ पे जो मार्जिन है कि हमने उसको लिंक्स को कहाँ पे शो करवाना है, तो हम इसके जरिए से जो है वो कंट्रोल करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लेता हूँ यूएल। उसके बाद यहाँ पे जो है इसको क्लास देनी है हमने नैव बार नैव की, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ नैव बार नैव। और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो भी हमने लिखने या लिंक्स वाला डालने वो हम इसके अंदर जो है वो लिख लेंगे। एंड उसके बाद यहाँ पे जो मार्जिन है वो मैं यहाँ पे दे देता हूँ मार्जिन स्टार्ट ऑटो, में यहाँ पे जो है वो दे दूंगा। सो इसको देखेंगे कि काम किस तरीके से जो है वो करता है। सो अभी भी इसके अंदर लिंक ऐड करने हैं, तो लिंक ऐड करने का जो सिंपल सा तरीका, सबसे पहले मैं यहाँ पे बना लूंगा एल आई, इसको हम क्लास देते हैं नैव आइटम की, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा नैव आइटम। उसके बाद हम यहाँ पे बना लेंगे एंकर टैग, और इसको यहाँ पे हम क्लास दे देंगे नैव लिंक के नाम से। सो इसके अंदर जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है मैं यहाँ पे जो है वो लिख लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ होम, मैं यहाँ पे जो है वो लिख लूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे डुप्लीकेट कर लेता हूँ दो तीन दफा, तो मैं यहाँ पे कर लूंगा होम, मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ अबाउट, उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे जो है वो कर लेता हूँ टीम। सो इसको मैं सेव करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो
नेविगेशन बार थी वो हमारी यहाँ पे जो है वो बन गई है। सो इसको मैं यहाँ से बड़ा करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है हमारा जो बटन जो है वो अब यहाँ पे शो हो रहा है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो है वो क्लास है, तो जो क्लास है वो हमने यहाँ पे जो हमारा नेव है उसको यहाँ पे जो है वो हमने देने, तो यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट क्लासेज होती है, मतलब हमने जो बटन है वो किस स्क्रीन के ऊपर जो है वो शो करवाना है, किस ब्रेक पॉइंट के ऊपर। तो उसके लिए यहाँ पे जो क्लास है नेव बार एक्सपेंड एल जी, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लूंगा और उसके बाद यहाँ पे जो है मैं इसको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। सो इसको मैं सेव करता हूँ, मैं यहाँ पे स्क्रीन को बड़ा करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लिंक्स थे वो यहाँ पे जो है वो शो हो गए। तो जैसे ही मैं इसको यहाँ पे छोटा करूंगा, जैसे ही मैं इसको मैं बड़ा करता हूँ, मैं जैसे ही एल जी के ऊपर पहुंचूंगा तो यहाँ पे जो बटन होगा वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो जैसे ही मैं ब्रेक पॉइंट पर पहुंचूंगा एल जी के ऊपर तो यहाँ पर जो बटन है वो यहाँ पे जो है वो आ गया। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे ये मीडियम के ऊपर है तो मैं यहाँ पे जो है वो कर लूंगा मीडियम। सो इसको मैं सेव करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे जो है मैं इसको मीडियम के ऊपर जब ले करूंगा तो यहाँ पे जो बटन है वो हमारा यहाँ पे जो है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो बटन है वो यहाँ पे जो है वो आ गया है। इसके अलावा अगर हमें यहाँ पे जो हमारा लोगो है वहाँ पे अगर हम इमेज लगानी है तो वो भी हम लगा सकते हैं। तो उसके लिए सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एंकर टैग है हम सिंपली इसके अंदर जो इमेज टैग है वो लगा लेंगे तो हमारी यहाँ पे जो इमेज होगी वो यहाँ पे जो है वो आ जाएगी। सो इस तरीके से अगर हमने यहाँ पे फॉर्म बनाना है तो वो भी हम बना सकते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे जो यू एल एस के बाद हम यहाँ पे फॉर्म बना लेंगे, जो भी हमने चीज़ उसके अंदर डालनी है तो वो यहाँ पे जो है वो हम इस तरीके से जो है वो उसके अंदर डाल लेंगे। सो इस तरीके से जो है आप नेव बार जो है वो बना सकते हैं। सो जब नेव बार से आगे जितने भी टॉपिक है उसके लिए जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है वो यहाँ पे जो है वो लाजमी ऐड होनी चाहिए। अगर जावास्क्रिप्ट आपकी ऐड नहीं होगी तो फिर यहाँ पर जो बटन है ये वाला, जैसे हम इसको छोटा करते हैं तो यहाँ पर जो बटन है ये आपको जो है वो काम नहीं करेगा। अगर बटन आपका काम नहीं कर रहा तो उसके लिए आपको जावास्क्रिप्ट जो है वो लाजमी जो है वो ऐड करनी पड़ेगी। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।